करने के लिए उसकी डाइट और ट्रेनिंग के बारे में बताइएगा। सर, सबसे पहले जनरली जो घोड़े की डाइट होती है जी, वो किसी भी इंसान की जितना डाइट है जी जी बिल्कुल वैसी ही होती है जी। उसमें बुनियादी पांच चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जी, कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी जी जी, प्रोटीन फॉर मसल डेवलपमेंट जी, फैट जी, चर्बी, विटामिंस नरिशमेंट के लिए, और मिनरल्स सॉल्ट्स जी, नमकियात पूरी। ठीक हो गया। अब जो नेज़ा बाजी के घोड़े, मैं स्पेसिफिकली उसकी बात करूँगा, नेज़ा बाजी के जो घोड़े हैं उनकी जो ट्रेनिंग के मेथड है जी, वो ही बताते हैं कि उसकी डाइट क्या होती है जी। मैं जब घोड़ा रेस्ट पे होता है लाइक ऑफ सीजन जी, तो उस वक्त मैं कोशिश करता हूँ या हमें कोशिश करनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खिलाने से घोड़ों को अक्सर लेमिनाइटिस का शिकार होता है और उसको इस किस्म की बहुत सारी बीमारियां जो है वो लग जाती हैं। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें चना है जी, जवी है, जौ है, तो बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है घोड़े को ताकत देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, वो जवी है। और वो इसलिए समझी जाती है क्योंकि जितने भी रेस हॉर्सेज हैं आप उनमें देखेंगे उसमें वो जवी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जौ और जो चने हैं इन दोनों में घोड़े को सांस ज़्यादा चढ़ते हैं जी, और जवी से घोड़े को सांस कम चढ़ते हैं। इसलिए जो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स की वो जवी, उसके बाद प्रोटीन के लिए लूसन से बेहतर अल्फा, अल्फा उसको इंग्लिश में कहते हैं, लूसन बेहतरीन है। उसके अलावा फैटनिंग के लिए कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर लें या घी देसी इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। उसकी तादाद और मकदार डिपेंड करती है कि आपका घोड़ा जो है वो ऑफ सीज़न में है या सीज़न में है। अगर सीज़न में है, प्रैक्टिस में है, तो उसकी खुराक ज़्यादा होगी जी। अगर ऑफ सीज़न है उसकी उसके हिसाब से खुराक कम होगी। ऑफ सीज़न में प्रोटीन बेस्ड होगी मेरी नज़र में, और जब वो क्योंकि उससे काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाता है घोड़ा, और अगर घोड़ा इन सीज़न है, इन प्रैक्टिस है, मेलों के दिनों में उसकी जो खुराक है वो रफली 2 किलो दाने से लेके 4 किलो दाना, 5 किलो दाना मैक्सिमम आप देते हैं। ये जो चीज़ आपने खिलानी होती है उसको फिर बर्न भी करना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है। तो डे ऑफ पे, जिस दिन डे ऑफ होता है राइडिंग का, उस दिन उस हिसाब से उसकी डाइट हम चेंज करते हैं, कम करते हैं। विटामिंस के लिए बेस्ट आजकल क्योंकि इजी हो गया, थोड़ा सा आर्टिफिशियल तरीका है, लेकिन ये है कि विटामिंस अच्छे मिल जाते हैं मार्केट से, आप उन विटामिंस को यूज़ करें। और नमकियात आमतौर पे आप पहला पानी जो होता है सुबह जो घोड़े को पिलाना होता है उसमें आयोडीन दें, और जो शाम का पानी है मगरिब टाइम उसमें आप एप्सम सॉल्ट डाल दें जी। तो इस तरह से घोड़े की नमकियात आप पूरी कर करते हैं। लेकिन अगर आप अपने बेहतर घोड़े से परफॉर्मेंस लेनी है और इन दिनों में घोड़े को ज़्यादा फटीग है, घोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज में है, तो फिर आप उसके लिए बेस्ट है कि आप अच्छे जो ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल उनकी इलेक्ट्रोलाइट्स खरीदें और वो डालें। तो दिन में अपना आपने देख लें कि जब घोड़ा जिन दिनों में एक्सरसाइज में होता है, डेवलप कर रहा होता है, तो हम 2 टाइम डाइट लेते हैं। हम 6 आवर्स का प्लान बनाते हैं, 8 आवर्स का प्लान बनाते हैं, दिन को डिवाइड कर लेते हैं,
चार हिस्सों या तीन हिस्सों उतने ही पानी पिलाते हैं, और हर खुराक से आधा घंटा पहले एक घंटा पहले हम पानी पिला के आते हैं। तो जनरली खुराक जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि घोड़ा जो है वो एक्सरसाइज में अगर हो तो फिर हम उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा डालते हैं, और अगर ऑफ सीज़न हो तो फिर हम उसको ज़्यादातर प्रोटीन अल्फा अल्फा लूसन उस पर रखते हैं। जो कि ड्राई लूसन देना हो तो वो तकरीबन 7-1 किलो जो है जी ड्राई लूसन जो होता है वो रोज़ का बहुत होता है ऑफ सीज़न। ठीक हो गया। उसके अलावा ट्रेनिंग का जी